Hello friends, welcome to Global Online University channel, and please like and subscribe the channel before you watch the video and also click the bell icon. Okay friends, तो आज हम start करते हैं friends bench rule. तो friends bench rule क्या होता है कि in PBP structure में in TBP sorry TBP यानी trigonal bipyramidal structure में axial orbitals का less character होता है. Okay friends, तो more electronegative atom are preferred to join that side. Okay friends, अब इसमें ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एपिकोफिलिसिटी, मतलब एपिकल पोजीशन, एपिकल मतलब एक्सियल पोजीशन पर उसका अटैक होना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड पॉइंट आता है पीबीपी ज्योमेट्री. अब फ्रेंड्स क्या होता है, पीबीपी ज्योमेट्री में आपका पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स का लेसेस कैरेक्टर होता है. ओके फ्रेंड्स, इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स का लेसेस कैरेक्टर हो गया क्योंकि वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, 72 डिग्री के एंगल होते हैं. फ्रेंड्स लेस एस कैरेक्टर हो गया तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्रेफर्ड इट. ओके फ्रेंड्स, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर करेगा. अब फ्रेंड्स थर्ड इसका पॉइंट है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो मतलब स्पेशली अगर हम कंक्लूजन निकाले बेंट्स रूल का तो ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्रेफर्ड टू जॉइन द लेस एस कैरेक्टर साइड. ओके फ्रेंड्स, लेस एस कैरेक्टर. तो फ्रेंड्स इसका क्या हो गया, काई. काई क्या हो गया फ्रेंड्स, काई जितना ज्यादा होगा, अब देखिए फ्रेंड्स काई जितना ज्यादा होगा उतना परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, उतना ही थीटा होगा. तो फ्रेंड्स कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी उतना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर हुआ और उतना ही ज्यादा थीटा हुआ. ओके फ्रेंड्स, अब फोर्थ पॉइंट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. देखिए फ्रेंड्स, इन एनी स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर में एट एनी पोजिशन बिगर एटम ऑलवेज हैज लार्जर लेंथ. कि बिगर एटम की ऑलवेज लार्जर लेंथ होती है. ओके फ्रेंड्स, कि बड़ा चाहे वो कहीं भी बड़ा है उसका साइज भी बड़ा होगा और क्या बोलते हैं उसके उसकी लेंथ भी बड़ा होगी, क्योंकि फ्रेंड्स उसकी बॉन्ड लेंथ जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो बढ़ जा रही है. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया है PCl3F. अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो गया, टीबीपी स्ट्रक्चर हो गया फ्रेंड्स, टीबीपी स्ट्रक्चर हो गया. ओके फ्रेंड्स, तो मैंने एग्जांपल होना है ये यहां पर ये हो गया. ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या है यहाँ पर जो ये इसकी एक्सियल पोजीशन है, आपको दिख रही होंगी एक्सियल पोजीशन में है 90 डिग्री का एंगल और इक्विटोरियल में इक्विटोरियल पोजीशंस में है 120 डिग्री का एंगल. अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर क्या है अगर एक्सियल की बात करें, लेसेस कैरेक्टर 90 डिग्री का एंगल है तो क्या है थीटा भी लेस है, थीटा लेस है तो काई भी लेस है. अब काई लेस है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा. अब देखिए फ्रेंड्स सीएल और फ्लोरीन में से गएगा, सीएल गएगा मैं आऊं, अब काई भी लेस है तो क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर करेगा. तो सीएल गएगा मैं आऊं नहीं, अब फ्लोरीन गएगा मैं आऊं, यहां पर लेस एस कैरेक्टर है. तो बेंट्स रूल ये कहता है लेस एस कैरेक्टर में मोर एस कैरेक्टर मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर करेगा. तो ये जाएगा फ्रेंड्स यहां पर. ओके फ्रेंड्स, और फ्लोरीन जाएगा इक्विटोरियल पोजिशन. ओके फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड. अब देखिए फ्रेंड्स एक मिनट फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नेट में क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स. देखिए नेट में क्वेश्चन है PCl2F3 अरेंज करना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर. ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, अरेंज करना है आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स. तो यहाँ पर अब देखिए फ्रेंड्स की PCl, अभी मैंने आपको एक फोर्थ वाली लाइन बताई थी कि इन एनी स्ट्रक्चर एट एनी पोजिशन बिगर एटम, जो बड़े वाले एटम होंगे ना वो ऑलवेज उनकी लार्जर बॉन्ड लेंथ होगी. तो नो डाउट जो PCl जो इक्विटोरियल पोजिशन पर लगा है फ्रेंड्स, PCl इक्विटोरियल ये सबसे ज्यादा आ जाएगी इसकी बॉन्ड लेंथ. तो अगर हम ए की जो फ्रेंड्स ए की बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो सबसे ज्यादा आ जाएगी. अब कहानी शुरू होती है कि बी और सी में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हमें पता है कि जो बी है इसकी एक्सियल पोजीशन पे, ये मैंने आपको बताया कि थीटा लेस है तो काई लेस होगा, काई लेस है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा. तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो यहाँ पर क्या है थीटा भी लेस है, थीटा लेस है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, जो बॉन्ड रोटर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. अब एज कंपेयर टू इसकी इक्विटोरियल पोजीशन से करते हैं फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा जो इक्विटोरियल पोजीशन पे है यहाँ पर क्या है थीटा ज्यादा है, थीटा ज्यादा है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स थीटा ज्यादा है तो एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा. एस कैरेक्टर के ज्यादा होने से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. बॉन्ड लेंथ कम होने से एज कंपेयर टू बी,
तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो सी सबसे पीछे आ जाएगा फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, और पी आ जाएगा कूदते हुए आगे, क्योंकि यहां पर एस कैरेक्टर कम था, एस कैरेक्टर कम था तो थीटा कम हुआ, थीटा कम होने से फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो इसका ये ऑर्डर आ गया, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स एक और मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये है आपका, ये भी नेट में आया हुआ है, ये तीन तीन स्ट्रक्चर दिए हैं, एक CH4 है, एक CF2H2 है और एक CF3H है। अब इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है कि एक्स वाई जेड में से कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें ए और सी में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर एक क्लोरीन लगा है, यहाँ पर तीन क्लोरीन लगे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एस कैरेक्टर बहुत कम रहा होगा, तो एस कैरेक्टर कम रहा होगा तभी तीन क्लोरीन आए हैं बेंड स्कूल का, तो यहाँ पर एस कैरेक्टर कम रहा होगा, तो इसके अपोजिट एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा तो थीटा ज्यादा, थीटा ज्यादा इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम, तो जेड की बॉन्ड लेंथ फ्रेंड्स सबसे कम आनी चाहिए, आएगी, ओके फ्रेंड्स। तो जेड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम आएगी। अब एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर दो फ्लोरीन है, इसका मतलब यहाँ पर और एस कैरेक्टर कम हुआ होगा, एज कम्पेयर टू दिस एस कैरेक्टर कम होगा, अगर यहाँ पर एस कैरेक्टर कम होगा तो ऊपर बढ़ा होगा, ओके फ्रेंड्स, एस कैरेक्टर बढ़ा होगा, यहाँ पर एस कैरेक्टर कम हुआ होगा ना, इसीलिए तो एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर इसके अपोजिट रिवर्स में क्या हो गया, एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ, एस कैरेक्टर कम हो जाएगा ना तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ओके फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स, तो ये इसका ऑर्डर आ गया, ओके फ्रेंड्स। अब एक और क्वेश्चन आया है, जैम में आया 2010 में, ये पूछा गया था कि स्ट्रक्चर पूछा गया था PCS3 का होल वाइज CF3 का होल वाइज विच स्ट्रक्चर इज करेक्ट, इनमें से ये तीन ये तीन चार ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से पूछा था कौन सा क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये CF3 हमें पता है कि इक्वेटोरियल पोजिशंस पर, इक्विटोरियल जो पोजीशन होती है उसमें थीटा ज्यादा होता है, थीटा ज्यादा होता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर CH2 है, अब अगर हम बी का एग्जांपल लेते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स जो इसकी इक्विटोरियल पोजिशंस में, ये देखिए फ्रेंड्स इक्विटोरियल पोजिशंस में तीन CF3 लगे हैं, तो इसका मतलब, बट हमें पता है कि जो आपकी इक्विटोरियल पोजिशन होती है वो ज्यादा एस कैरेक्टर की थीटा ज्यादा होता है तो एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रखा इस वाले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स इसमें ये पता लगा कि हमें ये जो बी ऑप्शन है ये गलत है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें दो CS3 है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये यहाँ पर आ रखा है फ्रेंड्स, तो इसका क्या ऑप्शन हो गया, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ओके फ्रेंड्स। दिस इज ऑल बेंड स्कूल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके फ्रेंड्स, ओके बाय फ्रेंड्स।